हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग TCIL के नाम से जानते होंगे और जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर 50 कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा जिसने LLB या फिर LLM पास आउट हुआ है, वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बनिएगा। रीजन बीइंग, इसमें जो आपको नीचे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी सारी लर्निंग्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मिलने वाली है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट और चीज, आपको जो इसमें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करी जा रही है वो भी बहुत अच्छी है, और आपके जो रिज्यूमे में एट लास्ट जब आप ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब खत्म कर लेंगे, आप में जब रिज्यूमे में लिखेंगे कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये सारी चीजों में काम करा है, तो वो आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और लॉ फर्म्स में जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बाकी कैंडिडेट से अपर एज मिलने वाला है। तो आइए अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। इसमें जो हमारे लिए वैकेंसी निकाली गई है वो साइबर लॉ एक्सपर्ट की निकाली गई है। आपको TCIL एज अ साइबर लॉ एक्सपर्ट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, और नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, और मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें 4 साल का मांगा गया है। आपको जो रेम्यूनरेशन सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी मंथली बेसिस पे, वो 1,20,000 रुपीज मिलेगा। साथ ही साथ आपको अलग से TA और DA भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम इसके जब मैं आपको नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है जो भी LLB और LLM पास आउट कर चुके हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने से। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा वो 1 साल का होगा, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और आपके सुपीरियर्स को आपका काम बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। और अगर आप जब ये जॉब से आपको टर्मिनेट किया जाएगा, उससे पहले आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें छुट्टियों की लीव की। 12 दिन की आपको कैजुअल लीव मिलेगी, CL मिलेगी आपको कैलेंडर ईयर के हिसाब से। हॉलीडे आपको हायर्ड प्रोफेशनल्स जो होंगे उनको गेजेटेड सेंट्रल हॉलीडे मिलेंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉलीडे मिलती हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, इन सब की आपको छुट्टी मिलेगी। अकोमोडेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको TA DA मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा इसमें। वर्किंग आवर्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वही रहने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई काम है जिसमें आपको जल्दी बुलाया जाएगा और लेट में जाना छोड़ के जाना है आपको, तो आपको ऑफिस की प्रिमाइसेस, तो आपको उसी अकॉर्डिंग काम कंप्लीट करके देना है। आपको जल्दी भी आना पड़ सकता है और शाम को लेट भी जाना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की। आपकी परफॉर्मेंस को क्वार्टरली बेसिस पे TCIL और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगी। अब हम इसमें डायरेक्टली बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इसमें आपसे क्या क्या मांगा गया है। इसमें बोला गया आपके पास LLB या फिर LLM की डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो ट्रायल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। अगर आपके पास साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग आपने इन 3 साल में काम करा है तो आपके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि इन्हें डिजायर्ड जो बंदा चाहिए वो ऐसा ही चाहिए। तो अगर आपने उसमें साइबर क्राइम में काम नहीं करा है तब भी आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। डिजायरेबल की बात कर लेते हैं कि इन्होंने डिजायरेबल क्या बोला है। साइबर लॉ, IT एक्ट, एविडेंस एक्ट, इंटरमीडिएटरीज गाइडलाइंस, RBI, NPCI, लाइबिलिटी गाइडलाइंस, इन सब में अगर आपको इंफॉर्मेशन है, आपने इनमें 3 साल में इनके रिलेटेड काम करा है, तो आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट है साइबर लॉ एक्सपर्ट बनने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या काम करवाया जाएगा उसके बारे में एक बार बात कर लेता हूं मैं, कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को आप असिस्ट करेंगे, साथ ही साथ आप कॉर्पोरेट का काम करने वाले हैं, और इंडिविजुअल्स यानी कि आप जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग जो क्राइम्स होते हैं, उन सबको आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ असिस्ट करना है।
तो सोचिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप इसमें वैकेंसी देख के अप्लाई मत करिए कि सिर्फ एक वैकेंसी है, आप इसे सैलरी देखिए, अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ आप देखिए कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ क्या क्या लर्निंग्स मिलेंगी इस पूरी जॉब प्रोफाइल के अंडर में। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट कि आपको ये फॉर्म किस डेट से पहले फिलअप कर लेना है। आपको ये फॉर्म 4 अगस्त 2023 से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं किस पे, csp.mha@tcil.net.in पे आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आपको फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको चीजें नहीं लिखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। लॉ के रिगार्डिंग अगर आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप बेल आइकन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।